हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली नकवी फिटनेस। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार वेट गेन रेसिपी बताने वाला हूँ। आपको याद होगा मैंने पास में भी आपको एक वेट गेन शेक बनाना सिखाया था। अगर आप उसको दोबारा रेफ़र करना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम दही का इस्तेमाल करेंगे, दही और उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में बात कर लूँ कि यह बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा हेल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वेरी डिलिशियस। इसके अंदर जो दही है, दही की वजह से जो प्रोबायोटिक्स होते हैं आपको जल्दी डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करती है और आप ज़्यादा ब्लोटेड फील नहीं करते। 2-3 घंटे के बाद आप नेक्स्ट मील के लिए रेडी हो जाते हैं। तो आप इसको चाहें तो ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप इसको चाहें तो स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सो आई हैव विद मी योगर्ट, दही, 2 केले कटे हुए, 5 खजूरें कटी हुई, पीनट बटर, ओट्स। ठीक है, प्रीटी मच वही सारी चीज़ें हैं जो कि हमने वेट गेनर शेक में डाली थी, लेकिन सिर्फ दूध की जगह यहाँ पे दही है, जिसकी वजह से आपको, हालांकि चीज़ें तो सारी वही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन आपको एक नई रेसिपी, एक बिल्कुल नया टेस्ट इसमें मिलेगा और ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई एम श्योर कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दही ली। दही के अंदर हंस पे ज़रूरत ले लें आप जितनी आपको पसंद है। दही के अंदर आपने डालने हैं जी ओट्स, ओट्स के ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स मैं डाल रहा हूँ। केले और किशमिश भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, जो 2 केले हमने काटे थे और 5 खजूरें काटी थी वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसमें डालूंगा 1 चम्मच पीनट बटर, इट्स ऑल नेचुरल पीनट बटर। कोशिश करेंगे आप वो पीनट बटर लें जो ऑल नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो और उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल ना हो, बिकॉज दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस रेसिपी व्हिच इज माय प्रोटीन शेक। अगर आपके पास प्रोटीन शेक है तो आप इसमें डाल लें, अगर नहीं है तो मत डालें, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये इसके बगैर भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी और सिर्फ प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसके लिए आप अपने ब्रेकफास्ट में एग वाइट्स को ले सकते हैं ताकि आपकी जो वो एक मैक्रोज है वो बैलेंस हो जाए, प्रोटीन, कार्ब्स और जो फैट है वो सारा का सारा बैलेंस हो जाए। तो आपने इस बात को देख लें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डालें, नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसकी जगह पे एग वाइट्स डालें, इट्स अप टू यू। सो इसको अब हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स एंड दैट्स इट, ये हमारी रेसिपी तैयार है। ओके, सो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट करूँगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।